बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अक्सर स्टूडेंट की ये क्यूरी होती है, सर मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग फील्ड में जाना है, मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए जिसको सीखकर मैं नेटवर्किंग की फील्ड में नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये बन सकूँ, ये इस फील्ड में इंटर मैंने कैसे होना है, उसके लिए कौन कौन सी एजुकेशन करूं, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करूं, कौन कौन सी डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। इन टॉपिक्स को आप अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, आप आसानी के साथ नेटवर्किंग की फील्ड में इंटर भी हो सकते हैं और कोई अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट काम है आपका, आपने नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स जानना है, उनमें आपको आईपी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आईपी की क्लासेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर सबनेटिंग क्या होती है इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर वीलैंस ओएसआई मॉडल्स की जो लेयर्स हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है, जिसमें टीसीपी आईपी डीएनएस डीएचसीपी एसएमटीपी HTTP, HTTPS, FTP एंड और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल हैं, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब ये आप थ्योरी का ये चीज़ें हैं जो नेटवर्क कॉन्सेप्ट और नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये करने के बाद आपने जो करना है वो आपने राउटर और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले आपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, स्विच की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या करना है आपने वीलैंस वगैरह की इंटर राउटिंग वीलैंस वगैरह, इसका थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपका जो बेसिक जो नीड होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इससे कंप्लीट हो जाती है। स्विच की और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद आपने क्या करना है, फायरवॉल सीखनी है। ठीक है, जितने भी ओपन सोर्स फायरवॉल है, PFSense, OpenSense, ओपन सोर्स जितनी भी फायरवॉल है उनमें से PFSense, OpenSense, Cisco, Fortinet, इस टाइप के जितने भी फायरवॉल हैं, मैकोटिक, इसको आप डाउनलोड करें, VM में इंस्टॉल करें, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के रूल्स लगाएं, फिर उसको टेस्ट करें। ये तकरीबन आप एक दो मंथ के अंदर आसानी के साथ जितनी मैंने ये चीज़ें बताई हैं अभी तक ये सीख सकते हैं। उसके बाद आप वायरलेस पर चले जाएँ। ठीक है, वायरलेस में आपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में जाने, ठीक है, कंट्रोलर वायरलेस कंट्रोलर का क्या काम होता है वो सीखें आप, उसके बारे में स्टडी करें, फिर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जाने, फिर वायरलेस कंट्रोलर की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो देखें आप। जब ये चीज़ हो जाती है फिर आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की तरफ चले जाएँ, फिर आप क्या करें, डिफरेंट टाइप के सिनेरियो क्रिएट बनाएँ, उस सिनेरियो के ऊपर ट्रबल शूटिंग करें। ठीक है, ये इसके बाद जो लास्ट काम आपने करना है, फिर आपको सर्वर मैनेजमेंट आना के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको DHCP सर्वर बनाना आना चाहिए, DNS बनाना आना चाहिए, फिर उसके अलावा आपको एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह, ठीक है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसका आप विंडोज सर्वर जो है अपने सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करें, डिफरेंट टाइप की ये जितने भी इसका YouTube के ऊपर आप गूगल करेंगे आपको कोर्स मिल जाएगा विंडोज सर्वर का, जितने भी इसके वो हैं डोमेन सर्वर डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी ये बनाएं, इनके टेस्ट करें। इतनी चीज़ें जब आप कवर कर लेंगे आप आसानी के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड में इंटर भी हो जाएंगे और आप एक अच्छी जॉब भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, इतना कुछ ही होता है जो बेसिक जो कंप्यूटर नेटवर्किंग अंदर, बाकी एडवांस लेवल का आप जब इंडस्ट्री में इंटर होंगे वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैर।